हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्त प्रैंक्स फॉरएवर। आज जो हम प्रैंक करने वाले हैं उसका नाम है किसिंग प्रैंक। जी हाँ दोस्तों, किसिंग प्रैंक। तो पहले हम प्रीति के साथ एक गेम खेलेंगे, स्टोन पेपर सीजर। अगर मैं जीतता हूँ तो प्रीति मुझे किस करेंगी, और अगर ये जीतती हैं तो हमारी तरफ से मिलेगा इन्हें एक गिफ्ट। तो मैम आप तैयार हैं? स्टोन पेपर सीजर, वन पॉइंट। स्टोन पेपर सीजर, टू पॉइंट। पर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, ये जीत गई। स्टोन पेपर सीजर, वन पॉइंट। स्टोन पेपर सीजर, टू पॉइंट। दोस्तों मैं जीत गया। ये तो किस टाइम है, किस टाइम, किस टाइम, किस टाइम? तो आपको मुझे किस करना है? पेपर सीजर, टू पॉइंट्स, और मैं जीत गया। बट आपके सामने जीता ना, पॉइंट्स बता के। तो मैं जीत गया हूँ। तो अब जैसे कि गेम का जो रूल था उसके हिसाब से अब इन्हें मुझे किस करना पड़ेगा। किस टाइम? हैंड और चिप? हैंड। ओके, वेट 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 वेट, मेकअप दादा। क्रिएटर वत्सल सेठ के साथ संवाददाता अंकुर शर्मा, एसईसी न्यूज, न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आज एसईसी न्यूज न्यू दिल्ली में आया है आपके सामने एक सनसनीखेज न्यूज लेकर। ये लड़की जिसे आप देख रहे हैं, परसों ही इस लड़की को एक नौजवान युवक ने सड़क पर ये बोला था कि हाँ जी किता, तो इस बात का इस लड़की ने बहुत बुरा माना और ये उसके ऊपर चिल्लाई कि तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो। और अगले दिन इसने किराए के गुंडों को भेजकर उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से पिटवाया। और आज ये मेरे साथ सड़क पर एक गेम खेलने को तैयार हो गई, स्टोन पेपर सीजर, जिसके चलते इसे मुझे किस भी करना था अगर मैं जीत जाता। और जैसे कि मैं जीत गया था तो ये किस भी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसने उस लड़के को किराए के गुंडों से बड़ी ही बेरहमी से पिटवाया, क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा था हाँ जी किद्दा। लेकिन ऐसा क्यों है कि लड़के महीनों लगा देते हैं लड़कियों को अपने प्यार की बात बताने में, अपने दिल का इजहार करने में, वहीं दूसरी ओर जब यूट्यूबर्स आकर लड़कियों से बोलते हैं कि हमें एक गेम खेलना है तो वो एकदम तैयार हो जाती हैं। क्या अंतर है यूट्यूबर्स में और बाकी आम लड़कों में? क्या आप हमें बताएंगी, देश की जनता को बताएंगी? मतलब मुझे नहीं पता, फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई डोंट माइंड। हम जानना चाहते हैं इससे कि इसने ऐसा क्यों किया। आपने परसों उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से क्यों पिटवाया, वो भी किराए के गुंडों से? नहीं, मैंने नहीं पिटवाया। आपने नहीं पिटवाया, उस लड़के ने आपके बस स्टोन पेपर सीजर करने के लिए बोला था। वो तो एक स्टिंग ऑपरेशन था मैम, देश की जनता के सामने आपकी असलियत लाने के लिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, सीरियसली। आपने कुछ नहीं किया है तो कैसे उस लड़के के घर वालों ने आपके खिलाफ FIR लिखवा दी पुलिस स्टेशन में? This is something else, please. This is something else, seriously. कि जैसे कि अभी IPL मैच चल रहे हैं, ये पिछले 5 साल से IPL मैचेस में सट्टा लगाती हुई आ रही हैं। जी हाँ, इन्हें सट्टा लगाने की बहुत आदत है, इन्हें शर्त लगाने की बहुत आदत है। ये IPL मैचेस में भी शर्त लगाती हैं, 5-5 लाख रुपए का सट्टा लगाती हैं। जानते हैं इनसे कि ऐसा ये क्यों करती है? मैंने कभी नहीं किया। मैम आपको शर्त लगाने की इतनी आदत क्यों है? मैंने कभी नहीं किया। अभी मैंने आपसे पहले क्लैश कर दिया था कि मैं किस वगैरह नहीं करूंगी। मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में कह दिया था आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, प्लीज। देखा, कैमरे के सामने एकदम मुकर गई, लेकिन फोन पर ये बुकी को बोल देती है कि मेरे 5 लाख रुपए लगा दो इस टीम पे, मेरे 2 लाख रुपए लगा दो इस टीम पे। अभी कैमरे के सामने एकदम से मुकर गई। मैंने आपके साथ गेम इसलिए नहीं खेला क्योंकि आप यूट्यूबर थे, वो जस्ट अ गेम फॉर मी एंड आई जस्ट प्लेड सिंपल। तो अगर गेम में कोई आपके सामने बैठ रखे कि आपको किस करना पड़ेगा तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई लड़का पूरे प्यार में आपसे बोले कि मुझे आपसे प्यार है, आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो या फिर आप मेरी दोस्त बन जाओ, तो आप उसे 1000 तरह के नखरे दिखाएंगे। वो अलग थिंग है, इट्स माय मैटर एंड आई वोंट बी डिस्कसिंग इट हियर। देखा दोस्तों, वो अलग थिंग है और ये अलग थिंग है। कोई भी यूट्यूबर इनके सामने आएगा, इनके पास आएगा, इनसे कहेगा कि एक गेम शो खेलते हैं जिसमें कि अगर मैं जीता तो बैट होगी कि आपको मुझे किस करना होगा, तो वो इनके हिसाब से सही है। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन, कोई बेचारा शरीफ लड़का इन्हें ऑनलाइन मैसेज करता है और बोलता है हाय प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, तो ये उसके खिलाफ हैरेसमेंट का केस फाइल कर देंगी। हम जानना चाहते हैं इनसे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी कि किसी की रिक्वेस्ट आएगी और मैं हैरेसमेंट का केस डाल दूंगी। Yes.
Sorry, yeah, sorry. It's a prank. Oh, it's a prank. Oh, sorry. And sorry, ये पूरा पूरा total जो भी तक शुरू से लेके आखिर तक ये एक prank था. And sorry अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो. बुरा नहीं लगा, बस वही. And हमारे channel का नाम है So Effing Cray. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. एंड हमारी कोई भी इंटेंशंस नहीं थी कि हम आपको कुछ बुरा फील कराएं या वो करें, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ की तरफ से था. ठीक है, कैसा लगा आपको प्रैंक? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. हाँ, चॉकलेट, आपकी चॉकलेट बनती है. वेलकम बैक गाइस टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्लीज़ एक तो इस वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दो, वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स कर दो, वीडियो को हर जगह शेयर कर दो. और गाइस जिन्होंने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो. थैंक यू गाइस. सर असली किसी प्रैंक तो यहाँ पे चल रहा है.